डॉक्टर साहब कौन साहब? एक बीमार परदेसी। डॉक्टर साहब तो नहीं है, बिजनौर गए हुए, परसों तक लौटेंगे। परसों तक मैं कैसे इंतजार कर सकूं? आप कहीं बाहर से तशरीफ लाए हैं क्या? जी हाँ, हसनपुर। तो आप परसों तक कहीं ठहर जाइए। कहीं ठहर जाऊं इस आधी रात? इस अनजान बस्ती में कहां पनाह मिलेगी? घबराइए, इंसानों की बस्ती में एक मुसाफिर को पनाह मिल जाना नामुमकिन है। देखिए, वो पिंडीरास मरहूम के दीवान खाने पे चले जाइए, कोई ना कोई जगह आपको जरूर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मालूम, मैं परसों तक जिंदा भी रखूंगा ये नहीं। मौत एक कदम पीछे, न जाने कब मेरा हाथ पकड़ ले। टांगे वाले, तुम माजी से वाकिफ हो जाओ। जी हाँ। तो इनको उनके दरवाजे तक पहुंचा। हाँ। बीमार मुसाफिर, मुझे ठहरने की ये किराए पर कोई, लेकिन ये कोई वक्त है जगह ढूंढने का, सुबह आना। अरे भाई सुनो तो, कहां मुझसे चले आ रहे हो जी? कह दिया सुबह आना, सुबह आना। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रार्थना। देखो मैं बीमार हूँ, परदेसी हूँ, अगर कोई जगह खाली हो तो मुझे दे दो। रामू जी, माँ जी, कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ देवी जी, एक गरीब परदेसी बीमार, मुझे सर छुपाने को थोड़ी सी जगह चाहिए। रामू जी, बिहारी से कहो कि अगर कोई जगह हो तो इन्हें दे दे। बहुत अच्छा। बिहारी जी, ये हमारे चंबेली वाले मकान की छत पर जो कमरा खाली था जी, किराए पे कब चढ़ा? जी रात को 1 बजे। कौन लोग? नहीं मालूम, माजी ने ना पूछा ना गछा।
और मकान दे दिया उठा किराए पर। कैसे लोग? एक बूढ़ा सा आदमी है, एक उसकी लड़की, दोनों बाप बेटी बीमार मालूम होते हैं। संसार सारा देवता।
क्या बात है? कुछ नहीं। क्या किसी से रूठ गए हो? नहीं। इम्तिहान में कुछ बिगाड़ हो गया है? नहीं। तो फिर इस तरह निढाल क्यों हो? कल शाम से नीचे नहीं गए और आज सारा दिन किवाड़ बंद किए यहाँ पड़े रहे। कोई बात तो जरूर है, और वो ऐसी क्या बात है जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो? जाकर इतना ही मुझसे कह दो कि तुम्हारा हाल जानकर मुझे बड़ी तकलीफ और मुझे बड़ी शर्म आई। लल्ला जी ने कहा है कि आप कोई चिंता न करें, सब कुछ भस्म हो जाने पर भी धुआं दीवार से ऊपर नहीं उठेगा। मैं डॉक्टर अली बाकर हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक बीमार को मेरी मदद की जरूरत है। जी हाँ, आइए। मैं बाहर गया हुआ था, इसी वक्त वापस आया। आते ही मुझे मेरे मराजिम ने बताया कि एक बीमार परदेसी मेरे इंतजार में, तो मैं घर में दाखिल होने से पहले ही
उल्टे पांव अपने बीमार को देखने चला है। डॉक्टर मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं और अभी मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता हूं। तंदुरुस्ती का एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे चाहिए। ये देखो मेरा कलेजा टुकड़े हो होकर गिर रहा है, ये देखो मेरी रगों का सारा खून उबल बल कर आ रहा, इसे रोको, इसे रोको। ये जिंदगी की ख्वाहिश में निकला हुआ संकिया मेरे जिगर को खुरच रहा है, इसे मना करो। संख्या, संख्या कैसा? संख्या इन्होंने खाया था। क्यों? मुझसे सुनिए, ये घिनौनी बात मेरे मुंह से सुनिए। मैंने संख्या खाया ताकि मेरे बूढ़े बदन में जिंदगी की बुझती हुई आग इस बारूद के पड़ने से फिर दहक उठे और मैं फिर पलटकर अपनी जीवन साथी के साथ साथ चल सकूं जो उम्र में मुझसे काफी पीछे है। आपने उसे देखा ना, उस कमसिन अबला को, और अब मुझे देखिए, मुझ बूढ़े लालची को। आपने मेरी मजलूम धर्मपत्नी को देखा? कौन? वो लड़की, कोई नहीं कह सकता कि वो मेरी बीवी है। वो आपकी बीवी है? जी हाँ। जी हाँ, वो मजलूम मेरी बीवी है। खांसते की आवाज थी बेटी? जी। खतरनाक, क्या तुम यहां सोती हो? जी। इस खुले आसमान के नीचे होश में? ये अच्छा नहीं, बचो बेटी, खतरे से बचो। आओ
दरवाजा बंद। मैं कल से इलाज शुरू करूंगा और अब सिर्फ तुम्हारे शौहर ही का नहीं, तुम्हारा खुदा। डॉक्टर साहब वो अच्छे तो हो जाएंगे। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर। पूरी तवज्जो से उनका इलाज कीजिएगा। बेशक। नमस्ते। जी दीदी। कहना पड़े हाय दिल।
माँ जी आना चाहती हैं। आई आई रही हो। तुम बाहर जाओ, इस हालत में तुम्हारा बीमार केस में करीब होना खतरनाक है।
देखकर बड़ा दुख हुआ कि बाप ने अपने जानलेवा मर्ज में अपनी बेटी को भी शरीक कर लिया है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि ऐसी दशा में कोई भी मां अपने हाथों से अपने बेटे को संख्या देना गवारा नहीं कर सकती। जरा अपने बाल खोलकर मेरी आंखों पर डाल दो। बहुत अच्छा। उनकी घनी छांव में मेरा उखड़ा हुआ सांस ठहर जाता है। गाहों से ओझल हो जाता हूं। ये रेशमी धागों का जाल मुझे डूबने से बचा लेता है।
पड़ोसन, कहां से आई हो? हसनपुर से। यहां कैसे आना हुआ? इलाज के लिए। किसका? उनका, वो बीमार है। वो कौन? वो पति। तो क्या तुम्हारे पति बीमार है? और तुम कौन हो? मैंने पहले तो यहां तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं गुमती हूं। ये मेरी ननिहाल है। मैं आज ही यहां लाके कैद की गई हूं। कैद? क्यों? तुम नहीं जानती? बिनजाही लड़कियों को किस जुर्म में कैद कर दिया जाता है? नहीं। तो क्या तुमने प्रेम नहीं किया? नहीं किया शायद। जब भी तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि ये जुल्म उन पर कब किया जाता है? कब? जब उनकी आंखों से हैरानी टपकने लगती है, जब वो घायल हिरने की तरह जरा जरा सी आहट पर चौंकने लगती है, जब वो ढूंढने लगती है कि घर में वो अकेली जगह कौन सी है जहां चुपचाप बैठकर वो कुछ सोचे। समझी? समझी तू? इस जुर्म का नाम क्या है? मैं भी आई।
क्या है? क्या है? आपके नाम सरकारी खत है। मेरे नाम सरकारी खत है? क्या लिखा है? ऊपर आपका नाम लिखा है और आगे लिखा है कि अर्जी मिली लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी माहवार पेंशन नए पते पर मनी ऑर्डर से नहीं भेजी जा सकती, लिहाजा जब तक कि वहाँ आपकी शिनाख्त के लिए सरकारी इंतजाम न हो जाए आपको अपनी पेंशन सदर दफ्तर में ही आकर वसूल करनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल है, बड़ी शीत है, मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस हाल में कैसे जा सकेंगे? ये बीमारी इतनी दूर, मजबूरी क्या नहीं कराती। अगर पेंशन न मिली तो इस प्रदेश में बसर कैसे करूंगी? एक दिन का भी तो सहारा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं आज रात की गाड़ी करवाना हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। मेरे घर ही कितनी दूर? अच्छा, अब मैं जाऊं? जरा ठहरिए। भी अपने साथ ले जाइए, मैं हरदम आपके साथ रहूंगी, आपको देखती रहूंगी। अब आप जाइए। शीतल जी, मेरी कीमती जिंदगी, परेशान ना होना। बहुत अच्छा, प्रदेश गए हैं आज? अब तुम उदास हो? हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सैया तो तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे, पपीहे की तरह। तुम सुंदर भी तो कितनी हो, बहुत सुंदर हो तुम, बिल्कुल सीने की गुड़िया की तरह। वो तो बस हर वक्त तुम्हें सामने बैठाए हैरत से तकते रहते होंगे, हर वक्त वो अपने मन ही मन में मुस्कुराते रहते होंगे। ए सखी, जानने की जा रही है क्या? मालूम होता है कि वो भी काफी पसंद है तुम्हें, बहुत खूबसूरत है क्या वो भी? है? बोलो। जरूर वो भी काफी खूबसूरत होंगे, एक देवता की तरह, क्योंकि इतनी सुंदर बाला के लिए भर ढूंढने में लोगों ने बहुत कुछ छानबीन से काम लिया होगा। चिराग लेकर लोग उसे ढूंढने निकले होंगे। मैं सोचती हूँ
तुम दोनों जब पास पास बैठते होंगे तो ऐसा मालूम होता होगा जैसे कोई कवि अपनी कविता के दो छंद लिखकर चुप हो गया है। मैंने अब तक तुम्हारे पति को नहीं देखा, अब क्यों आएंगे तो जरूर जाकर देखूंगी कैसे हैं। दिखाओगी ना? शीतल, 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 आना। डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिखी हैं। इन दो शीशियों में आपके शौहर साहब की दवाएं पहले ही की तरह इस्तेमाल होंगी। ये आपकी दवा है, चार खुराकें चार चार घंटे के बाद, और दरियाफ्त कराया है कि कल आपके बुखार और खांसी का क्या हाल रहा? अच्छा रहा। अच्छा, नमस्ते। डॉक्टर साहब है ना, जरा उन्हें यहाँ भेजते जाना, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अच्छा। शीतल, 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 ये कैसा फूल है? ये फूल नहीं है, रंग है। रंग? हाँ, गोमती, जैसे कोई प्याला किनारों तक भर जाता है तो छलक उठता है, ऐसे ही ये मेरे बसंती जीवन का गुलाबी रंग है जो मेरे शरीर से छलक पड़ा। ये हूं नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बीमार हो? नहीं गोमती, नहीं। तो फिर ये खांसी, ये होठों पे लहू, ये डबडबाई हुई आंखें, ये सफेद रंगत क्यों है? रास्ते की थकन से निढाल होकर जब कोई मुसाफिर सस्ता रहा हो तो वो कुछ ऐसा ही नजर आता है, बीमार बीमार। नहीं सखी, तुम ऐसी अजीब बातें मत करो। तुम कुछ बीमार हो। जीती रहो।
क्या हाल है? अच्छा है। अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब, ये देखिए। गर्म पानी मिल सकता है? जी हाँ। हम जो दवाएं भेजते रहे हैं वो तुम पीती रही हो ना? झूठी। तुम मरना चाह रही हो क्या? चाहती हो तुम, बोलो बेटी। डॉक्टर साहब। बेटी, रोज जब सूरज डूबने लगता है तो जमीन पर शाम होने लगती है, और जब वो बिल्कुल डूब जाता है तो रात हो जाती है। लेकिन जब वो हमेशा के लिए डूब जाएगा तब इस धरती पर क्या गुजरेगी? तब इस जमीन का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती, अपने सुहाग के बगैर। मैं समझ गया तुमने क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम जिस हादसे के खौफ से मुरझा रही हो वो हादसा तुम्हें कभी पेश नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे शहर में तुम्हारे साथ जिंदा रहने की आरजू इतनी मजबूत है कि ये खतरनाक बीमारी उन पर काबू नहीं पा सकती। वो गले गले तक जिंदगी की तमन्ना में ऐसे धसे हुए हैं कि तुम्हारी मुख्तसर जिंदगी में किसी आंधी से उनका उखड़ जाना मुश्किल है। हमदर्दियों को जीने में मत फेंकती रहना। अच्छा, बहुत अच्छा। खुदा। नमस्ते। जीती रहो। नमस्ते। जीती रहो। शीतल, शीतल, अब आराम है ना? नींद आ रही है? चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? कहाँ हो? कहाँ भटक रही हो?
शीतल जी, शीतल जी, शीतल जी स्वामी, मेरी कीमती जिंदगी जी स्वामी,
ये तो तुम जान दे देने को ही भूल गए चंदा। ऐसा मत करो, तुम्हारी हद पूरी कर दी जाएगी। उसी तरह जैसे कि उस बीमार पर से सारे परहेज हटा लिए जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं रहता। ये तस्वीर भेज रही हूँ, देखो मैं शादीशुदा हूँ। क्या है? अच्छा ठहरो। मुझे निवेदन किया और इस प्रार्थना के साथ कि मैं जरूर आऊं। उस दिन वो खुद चलकर आएंगे मेरा हाल पूछने के लिए। मालूम होता है बड़ी दयालु है, मुझे उनकी आज्ञा पालन के लिए जरूर जाना चाहिए। मगर आप तो पलंग से उतर भी नहीं सकते। हाँ, मगर मैं उनकी प्रार्थना भी तो नहीं डाल सकता, मुझे जरूर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, मगर वहां कुछ खाइएगा नहीं, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। नहीं, मैं खाने पीने के लिए उनसे माफी मांग लूंगा। अच्छी बात है। एक अनजान औरत के रिश्ते की बात करते हुए मुझे शर्म आएगी, ये बात तुम्हें करना, समझी? जी, मगर ऐसी बातें तो कुछ औरतें ही अच्छी तरह करना जानती। हाँ, लेकिन औरतों ही के साथ। अच्छा छेड़ तुम देना, फिर मैं संभाल लूंगी। वो आ गए माँ जी। मेहमान को नमस्ते करना, समझी? अब उनके सामने कोई बदतमीजी मत करना। बहुत अच्छा। आइए। नमस्ते। 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 नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। नमस्ते। किधर तशरीफ रखिए। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। इसे ले जाओ। चलो। आपका? जी अब तो ठीक ही हूँ, वरना आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता था और माफी चाह लेता। लीजिए मिठाई शॉप फरमाइए। जी माफ कीजिए, मैं मजबूर हूँ, मिठाई तो खा ही नहीं सकता। क्यों? परहेज में। तो फिर शगुन के लिए चखी लीजिए थोड़ी सी, मुंह तो मीठा हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। आखिर शिकायत क्या है आपको? जी शिकायत क्या अर्थ करूं? उस दिन जो मैं आपके यहां गई थी बहुत हालत खराब थी आपकी, आपसे तो बात करने का मौका नहीं मिला। मैं बच्ची से कह आई थी,
अगर कोई भी तकलीफ हो तो हमें अपना ही समझना। जी हाँ, आपका संदेश शीतल ने मुझे पहुंचा दिया था। बड़ी मासूम सी लड़की है, मुझे तो कुछ इतने भाई कि केदार में तुमसे क्या कहूँ। आप सचमुच बड़े भगवान हैं। जी हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। जिसके घर में ऐसा हीरा हो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। यही तो वो मुझे जान से ज्यादा अजीज है। बेशक, ऐसे अनमोल रतन की हिफाजत कौन नहीं करेगा। आपको उसके बारे में चिंता तो होगी ही। जी हाँ, क्या अर्ज करूं, इस बीमारी के साथ साथ उसकी फिक्र भी मेरा लहू चूसती जा रही। सच पूछिए तो अब सिर्फ उसी के लिए मैं जिंदगी की रस्सी तामे घिसट रहा हूं। तो कब तक और इस तरह सोचते रहिएगा, आखिर उसका बंदोबस्त तो आपको करना ही पड़ेगा। उसका बंदोबस्त ही क्या हो सकता है, मेरे सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं। मेरे बाद उसका क्या होगा, कहां जाएगी, क्या करेगी, कुछ मालूम नहीं। हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता हूं और शायद इसी सोच में मैं एक दिन मर जाऊंगा। अब महसूस करता हूं कि मैंने इस उम्र में एक कमसिन लड़की से ब्याह करके बड़ा जुल्म किया। सारा मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। उछाल उछाल कर यूं पूरी रात जाकर काट देने से तकदीर नहीं बदलती, उसे बदलना होता है तो वो सोते में भी बदल जाती है। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि तुमने बिलावजा रात जाकर काट दी। रात के बाद दूसरा दिन देखना, अगर इंसान के तकदीर में लिखा हो तो वो आराम की रात के बाद भी निकलता है और बे आराम रात के बाद भी। तो फरमाइए, दिन अभी निकला या नहीं? हाँ, लेकिन रात के बाद पहले पौ फूटती है, फिर धीरे धीरे दिन निकलता है, एकदम नहीं। तो मैं जिस गहरे गार में पड़ा हूं उस पर रखा हुआ पत्थर कुछ हटा दीजिए ताकि गुप अंधेरे में सवेरे का उजाला मुझ तक भी पहुंच जाए।
किसी को भी अपनी किसी कामना के पीछे इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए जितने व्याकुल तुम हो। हर वो बात जो होने वाली हो उसके न होने के लिए भी कुछ न कुछ तैयार रहना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि अभी दिन नहीं निकला तो क्या होगा? मेरा दम घुस जाएगा प्रोफेसर साहब। तो मैं ये नहीं कहूंगा। फिर मैं ये कहूंगा कि दिन निकला तो है मगर पूरब में कुछ बादल हैं। और बादल कितने भी गहरे क्यों न हो एक जगह जम नहीं जाते, समझे? जी। तो तुम समझ गए। अब मैं चलता हूं। याद रखो कि मुसाफिर और मंजिल के दरमियान कुछ फासला जरूर होता है और वो फासला तय करने के लिए कुछ वक्त लगता है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है। बड़ा झूठ तुम कैसे बोला है? जी नहीं, मैं कोई झूठ बोलकर नहीं आया बल्कि मैं उसे आस और निराश के दोराहे पर खड़ा कराया। कब तक के लिए? सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक हम उसके लिए कोई खूबसूरत लड़की तलाश करके उससे उसकी शादी न कर लें। मगर वो किसी दूसरी लड़की से शादी करने पर राजी कैसे होगा? हम उसे राजी नहीं करेंगे, हम उसे धोखा देंगे। कैसे? सबसे पहले हम अपना मकान उस बीमार से खाली करा लेंगे और शरण को ये बतलाएंगे कि वो लोग शादी की तैयारी के लिए अपने वतन गए। शरण को ये तो नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं। हम जहां भी उसकी बारात लेकर जाएंगे वो यही समझेगा कि उसकी बारात सही जगह है। और जब वो ये देखेगा कि दुल्हन वो बीमार लड़की नहीं, तब? तब उस वक्त दूर कभी कभी रातों को चमक उठने वाले जुगनू के बदले एक चमकता हुआ चांद उसके सामने होगा। आप समझी? तो अब मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो और भी अजीब। क्या? कि शरण उस बीमार लड़की से मोहब्बत नहीं करता क्योंकि उसने नजदीक से उस लड़की को कभी नहीं देखा, कभी उससे बात नहीं की, बल्कि दूर फूलों की शाखों के तले एक मुरझाए हुए फूल को पड़ा देखकर वो हैरान हो गया। बिजली का बादलों में चमकना और बिजली का बादलों से टूटकर जमीन में आ चुभना कुछ और। अब तो आप मेरा मतलब समझ गई हो। आपको दुख भी होगा और आपको तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, पर हम मजबूर हैं कि आपके मकान जल्द से जल्द खाली कराने की प्रार्थना करें। आशा है कि आप हमारी मजबूरी का ख्याल करते हुए दो एक रोज ही में हमारा मकान खाली कर देंगे और इससे जो तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी उसके लिए हमें क्षमा कर देंगे। ये क्या बात? या तो इतनी मेहरबानी, इतना मेल मिलाप, या अचानक इतनी देर हुई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतनी रकम भी नहीं कि इस मकान का पिछला और अगले मकान का पेशगी किराया अदा कर सके। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे फिर तुम्हें छोड़कर
इस फिक्र में निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम क्यों नहीं डालोगे? ठीक है, तुम न परेशान हो, जाओ सो जाओ। सारा दिन सारी रात मेरी देखभाल में थक गई होगी, जाओ सो जाओ। ठीक है, लड़की आपके ख्याल में चंबेली वाले मकान की लड़की से ज्यादा खूबसूरत है? शायद। ठीक है, तो आइए अब आप मेरे साथ शरण के पास चलिए और देखिए मैं किस तरह उस फांसी को ढीला करना शुरू करता हूँ जो उसकी गर्दन में कसी हुई। तुम जा, मैं बहुत परेशान हूँ, जो कुछ होता रहेगा बस मैं उसे चुपचाप देखती रहूंगी। आप चलिए तो सही, वहाँ जो कुछ होगा उससे आपको ढारस बंधेगी। चलिए उठिए। हमारे समझाने पर तुमने जो कुछ दिन इंतजार किया तो हमारी कोशिश सफल हो गई। हमारी कोशिश सफल हो गई और तुम मलखिल पर पहुंच गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया, मुबारक हो। हाँ, तो अब तय ये पाया है कि वो लोग दो एक रोज में ही अपने वतन वापस जाकर लगन की तैयारी शुरू कर देंगे। इतने यहाँ पंडितों से मशवरा करके शुभ दिन शुभ घड़ी निश्चित कर ली जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस सब किस्से के निपटने में ज्यादा से ज्यादा महीना 20 दिन लगेंगे। क्यों माँ जी? और ये कितनी खुशी की बात है कि माँ जी भी इस रिश्ते से अब बहुत खुश हैं। तुम्हें भी अब ये दिन हंसी खुशी से गुजारने चाहिए, समझे? चलिए माँ जी आइए, आज से तुम्हारी खुशी का जो जमाना शुरू हो रहा है उसके स्वागत में तुम्हें इस वक्त मुस्कुरा पड़ना चाहिए। मुस्कुराओ। शाबाश, जीते रहो। चलो
कोई लहू है हसरत का आराता जिगर पर चलता है दिल जलता है है जब हम क्या कहिए जाग उठता है जब हम उस वक्त का आलम क्या कहिए उस वक्त का आलम क्या कहिए कुछ राग धीरे धीरे जब कोई कलेजा मलता है दिल जलता है
क्या हो गया है तुझे? ये कैसी बीमारी है, कुछ बता तो सही। मुझे जो बीमारी है कुंती, उसका इलाज है ये। शीतल, एक बात पूछूं? पूछ, सच सच बताना, सच सच। तुझे खुश हुए, मुस्कुराए हुए, हंसे हुए कितने दिन हुए, कितनी मुद्दत हुई? सिर्फ दो दिन। दो दिन? हाँ, उनको गए हुए दो ही दिन तो हुए हैं। झूठ, इतना दुख भरा झूठ। सच बोल, सच बोलने से ये तकलीफ तेरी कम हो जाएगी। मैं तेरा दुख समझती हूँ, मगर मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती। बारे में सोचा करती है, बगैर सुने मैं उसे समझ गई हूं। तू जो बात बहुत दिनों से इशारों ही इशारों में मुझसे पूछा करती है, आज मैं उसका जवाब देती हूं। सुन, सर झुकाने के लिए मंदिर वो भी है जिसके कलश पर सोना चढ़ा हुआ हो, और मंदिर वो भी है जिसकी दीवारें टूटी हुई हों। जो चीजें कि निगाहों को भाती हैं, शरीर उनका पसंद किया जाता है, और भक्ति जिनकी की जाती है उनका ध्यान प्यारा होता है, उनका नाम प्यारा होता है। Thank you.
आज उसने शादी से क्यों इनकार किया, मैं इसका सबक समझ गया। किसी न किसी तरह उसे भी ये बात मालूम हो गई थी कि वो लड़की बीमार की बेटी नहीं बीवी है, और उसने समझ लिया था कि उसकी हक का पूरा होना नामुमकिन है। इसीलिए वो जानबूझकर हमसे धोखा खाने को तैयार हो गया। तो अब उसने क्यों इनकार कर दिया? इसलिए कि वो समझता है कि अब फिर उसकी वही पहली हट पूरी हो सकती है। क्या मतलब? उसका मतलब अब हम आसानी से समझ सकते हैं। ये कि उसकी शादी एक विधवा से हो सकती है? जी। ये कैसे हो सकता है? मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मैं दलीलें दे सकता हूँ, मैं शास्त्रों के हवाले दे सकता हूँ, और मैं साबित कर सकता हूँ। ये तुम क्या बक रहे हो केदारनाथ? सुनिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप इत्तेफाक से एक बहुत बड़ी गलतफहमी में गिरफ्तार हैं। एक विधवा का विवाह न करना खुद गरज इंसानों की घड़ी हुई रस्मों में से एक बेरहमाना रस्म है। परमात्मा का बनाया हुआ नियम नहीं है, धर्म। धर्म कभी किसी इंसान के साथ अन्याय नहीं कर सकता, कभी किसी इंसान को दूसरे पर जुल्म करने के लिए नहीं उबार सकता। धर्म सिर्फ मर्दों की तरफदारी नहीं करता, वो औरतों के अधिकार की भी हिफाजत करता है। एक विधवा को इंसानियत के दर्जे से गिरा देना और उसे हमेशा के लिए मतर डालना, बीज डालना, क्या बेरहमी नहीं? जो लोग अंधाधुंध किसी बात पर अड़ जाते हैं और अपने विश्वास के दायरे से बाहर नहीं निकलते, वो कभी न्याय नहीं कर सकते। वो कभी अच्छाई बुराई, सच और झूठ और असल और नकल में तमीज नहीं कर सकते। ये और बात है कि आप अपनी जिद पर अपने बेटे का गला दबा दें। लेकिन मैं ये आपको जतलाए देता हूं कि आप इन तमाम पवित्र वेदों को झुठलाएंगे जो आपके सामने खुले पड़े हैं, और दुनिया के इन सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करेंगे। ये देखिए, पराशर स्मृति में लिखे हुए इस श्लोक को पढ़िए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नष्टे मृदे प्रवर्जिते क्लिवेंच पतिते पतौ पश्चातापस्य नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। यानी अगर किसी का पति किसी हादसे में या वबाई बीमारी में मर जाए, या लापता हो जाए, या शादी के लायक न हो, या सोसाइटी ने उसे ठुकरा दिया हो, तो इन पांच हालतों में उसका विवाह हो सकता है। ठीक है। तो आपने मान लिया कि आपको अगर एतराज न हो तो ये शादी हो सकती है? हाँ। माँ जी, चमेली वाला मकान आज खाली हो जाएगा, ये किराए के दाम वहां से आए हैं। मेरी सहेली, मुझे भूल मत जाना,
नमस्ते माताजी। नमस्ते गोमती, अंदर से कुर्सियां तो ले आना। नहीं कुर्सियों की कोई जरूरत नहीं, हम यहीं बैठ जाएंगे। तुम्हारी मां गुजरने की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। नमस्ते जी। तेरा सुना है आज तुम जा रही हो? जी हाँ। ससुराली जाओगी? जी नहीं, वहां तो कोई है ही नहीं। तुम माँ बाप के पास जाओगी? जी नहीं, वहां भी कोई नहीं। तो फिर? मेरी एक दूर की मौसी है, बस वही मेरी एक है, उन्हीं के यहाँ जा पाऊंगी। माता जी ये वही है ना? कौन? जिनकी तस्वीर मामा जी के तकिए के नीचे रखी रहती है। सच्ची है? फूल पहनो। चुप है बदतमीज। माफ करना बहन, ये बहुत शरीर है। आपकी मौसी कहाँ रहती है? चंदौसी। कौन सी महल? छोटी तरफ। क्या नाम है? प्रभावती। तो एक दिन हम उनसे मिलने आएंगे जी। हमें उनसे कुछ मांगना है। वो देखो वो देखो, मामा जी खड़े। ओहो चुप नहीं रहेगा। बाजों का शोर कैसा? शादी इसकी सबसे बंद कर। हाँ बंद कर दो, नींद उड़ी जा रही है। Thank you.
क्या हो रहा है? अपना सामान संवार रहे हैं। क्यों? कल सुबह हम जा रहे हैं। कहाँ? कहीं और। अरे और जी, तुम इतना सच से कहाँ जा रही हो? तू नहीं चलेगी बारात देखने? वो तो यहीं से नजर आ रही है। हाँ, मगर दुल्हन यहाँ से नजर नहीं आएगी। वो भी नजर आएगी। अरे बारात आ गई। अच्छा तुम्हें जा, कल सुबह फिर आऊंगी तुमसे मिलने। Bahar kaho, bahar kaho, dola utari kaha, bahar kaho.